टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और झाड़ौदा बॉर्डर होते हुए वापस टीकरी बॉर्डर तक आएगी किसान ट्रैक्टर परेड। टीकरी बॉर्डर से समय से पहले शुरू हुई, शान से शुरू हुई, शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई। हालांकि किसानों ने जोर जबरदस्ती से बैरिकेड जरूर तोड़े, लेकिन जोश था, उबाल है, किसानों का हौसला आज परवान पर है, किसानों का हौसला आज जवान है। किसान ये कहने के लिए दिल्ली की सड़कों पर गया है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने ही होंगे, इसीलिए ये ट्रैक्टरों की परेड लगातार जारी है। आप देखिए ट्रैक्टर्स पर सवार होकर किसान जोश के साथ, देश की शान तिरंगे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टरों का ये काफिला 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और आज अब इस वक्त तक दिल्ली में जाने वाले ट्रैक्टरों की ये लाइनें टूट नहीं रही हैं। ये लाइनें शायद देर रात तक भी ना टूटे, क्योंकि काफिला 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। लगातार किसान ये कहते जा रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे तो ही घरों से, जो घर से इधर सड़कों पर आए किसान हैं, वो वापस घरों को लौटेंगे। तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अपने गुस्से का इजहार करते हुए किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि लगातार 62 दिन से आप इन सड़कों पर डटे हुए हैं और आज ट्रैक्टर परेड के जरिए क्या कहने जा रहे हैं। बलदेव सिंह संदोहा, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर जिला बठिंडा के प्रधान, सब तो पहला तो अपने चैनल राही असी सारे साढ़े देखने वाले वर्ल्ड तक उन्हां लोकां दा सत श्री अकाल शीश नवाने और अज भावें 72-73 साल हो गए साडा देश आजाद होए नू, साडा संविधान बने नू, और अज जो असी चीज़ देखने नू मिली है तो इको एक, जेकर असी सरकार दे उत्ते दबाव बनाया, सरकार नू मजबूर किया तो वह 72-73 सालों के विच जिहड़ा किसान परेड किसी सरकारां ने किसी राजनीतिक पार्टी ने अज तक नहीं करन दित्ती। क्या उम्र हो गई आपकी? साढ़े लगभग 67 साल की उम्र है। 67 साल की उम्र होगी, क्या कभी ऐसा आंदोलन देखा था इस तरीके से सड़कों पर ट्रैक्टर और किसान? सो नाता अभी तक असी किसानों की परेड देखी है और ना ही असी एडा बड़ा अज तक आंदोलन देखे है, और ये आंदोलन विश्व लैवल पर साडा छाया होएगा। बिल्कुल विश्व लेवल पर छाया हुआ है, हर तरफ किसान आंदोलन की, ट्रैक्टर परेड की चर्चाएं हैं। ये युवा देखिए हाथों में गुलाब लेकर इस ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए, गुलाब लेकर आप आए हैं, क्या कहने के लिए? ये कहने के लिए अपन आंदोलन इतनी अच्छी दिशा में आगे बढ़े, आगे बहुत ही ज़्यादा दबाव सरकार पर है और किसान यहाँ से जीत के जाएगा। किसान जीत कर जाएंगे? हाँ जीत कर जाएगा, ये आज की रैली देख के जिंदाबाद। आज की रैली से, रैली कहें ट्रैक्टर परेड कहें, हौसले काफ़ी जवान हैं आप लोगों के, आज बैरिकेड भी आप लोगों के सामने बोने साबित हो गए। हाँ आइए आइए, कुछ भी होता है, गवर्नमेंट रोकती भी फिर बैरिकेड तोड़ देते हैं। जी इतना जोश है जिमीदार में, काले कानून रद्द कर ही जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार अब झुकेगी? हाँ झुकेगी झुकेगी जी, सरकार अब झुकेगी। बुजुर्ग के साथ जवान किसान मैदान में है, सड़क पर डटे हुए हैं। ये देखिए ट्रैक्टरों पर लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं, हर ट्रैक्टर पर 3 से 4 किसान हैं। किसान सरकार को ये कहता जा रहा है अपने ट्रैक्टर ट्रोलियों पर, देशभक्ति के नारे लगाते हुए तिरंगे के साथ ये कहने आया है। ये देखिए एक ट्रैक्टर पर जो झांकियाँ बोली गई थी, ट्रैक्टर पर किस तरीके से हल को टांगा गया है। किसान अपने ट्रैक्टरों को सजा कर लेकर आए हैं, ट्रैक्टरों के काफिले के बीच एक गाड़ी है, देखिए झांकी। इसी तरीके से जब किसानों ने ऐलान किया था कि झांकियां निकालेगी, हर प्रदेश का एक अलग रंग देखने को मिलेगा, किसानी का, खेती का रंग देखने को मिलेगा, और वो रंग इस आंदोलन में, इस ट्रैक्टर परेड में देखे भी जा रहे हैं। किसान की ये ट्रैक्टर परेड एक मिसाल है, सदियों सदियों तक इस ट्रैक्टर परेड के मिसालें दी जाती रहेंगी। शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने ऐलान किया है कि अपने हक लेकर रहेंगे, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर रहेंगे। हालांकि सरकार हट पर अड़ी हुई है, किसान भी हट पर अड़े हुए हैं, लेकिन किसान का हट जायज़ है। किसान की खेती को संकट में नज़र
आता देखकर किसान के बेटे, किसानों बुजुर्ग सड़कों पर डटे खुले आसमान के नीचे शहादतें हो रही हैं। 100 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद किसान इन सड़कों से हटने को राज़ी नहीं है। इसलिए नहीं राज़ी है कि 3 कृषि कानून रद्द कराकर ही वापस लौटेंगे। तब तक ऐसी ही परेड जारी रहेंगी, पैदल मार्च भी होगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।